आज हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का प्रैक्टिकल वन भी परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल वन भी है कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ न्यूरल नेट। तो बेसिकली एक न्यूरल नेट क्या होता है, यहाँ पे हम सपोज इनपुट दे सकते हैं x1, x2, x3, इसका वैल्यूज हो सकता है 0.3, 0.5, 0.6 और एनी वैल्यू। देन ये तीनों वैल्यूज को हमको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेट्स हो गया 0.2, 0.1 माइनस 0.3, फिर इसका हमें आउटपुट देखना है y। सो इसको परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले मुझे पाइथन का आईडी ओपन करना है, तो मैं यहाँ से विंडोज में जाती हूँ और पाइथन आईडी ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्लिक करना है फाइल न्यू। ओके, तो ये मेरा न्यू फाइल ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पे कोड टाइप करना है, तो कोड में बेसिकली मुझे क्या करना है ये देखिए मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये मेरा प्रोग्राम का स्क्रीन है, तो इसमें क्या करना है आपको नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन करना है। तो मेरा जो एग्जांपल था उसमें तीन इनपुट थे, फिर उसके लिए हमें एरे क्रिएट करना है, एक डब्लू और दूसरा एक्स। इसके लिए हमें एरे डिक्लेयर करना है, देन विद इन लूप हमें डब्लू एंड एक्स ये दोनों का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करना है। फिर वेट्स और इनपुट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके बाद हमें बेसिकली ये परफॉर्म करना है डब्लू आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई करके वाई में ऐड करते जाना है। तो फाइनली वी विल गेट द आउटपुट ऑफ वाई। सो ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसे मुझे सेव करना है, तो मैं क्लिक करूंगी फाइल सेव। फाइल सेव पे क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैंने इसे डी ड्राइव के एक एससी का फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने सेव कर दिया है। और ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 1B। तो मैं 1B करके पाइथन फाइल्स में सेव कर देती हूँ। अब मुझे रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल क्लिक करना है। तो मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए 3। तो पहला इनपुट सपोज 0.3, वेट हो गया 0.4, फिर सेकेंड इनपुट हो गया 0.2। तो आप कोई भी इनपुट और वेट जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, और आपका वेट्स नेगेटिव में भी हो सकता है। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे दिया 0.2 माइनस 0.2, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, द गिवन वेट्स आर 0.4, 0.4 एंड माइनस 0.2, द गिवन इनपुट्स आर 0.3, 0.2 एंड 0.2, एंड द नेट इनपुट दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई इज 0.6। तो बेसिकली इन दोनों को वेट और इनपुट को मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो दिस इज द आउटपुट। थैंक यू।